हेलो पेरेंट्स, वेलकम टू लर्न विद दुनीत। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास फर्स्ट की इंग्लिश वर्कशीट, और ये वर्कशीट एनसीईआरटी बुक के यूनिट नंबर 10 पे बेस्ड है। तो यूनिट नंबर 10 के अंडर एक पोएम और एक चैप्टर है। पोएम का नाम है फ्लाइंग मैन और चैप्टर का नाम है द टेलर एंड हिज फ्रेंड। तो इसमें बेस्ट क्वेश्चन आंसर्स, साथ ही ग्रामर पार्ट, ये सभी मैंने इंक्लूड किया है ताकि इस एग्जाम पीरियड में आप बच्चों के डिटेल प्रैक्टिस ले सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं पोएम और चैप्टर एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, पर आप अगर चाहती है कि मैं उसे भी एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं चैप्टर और पोएम दोनों भी एक्सप्लेन करूँगी। स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। द फ्लाइंग मैन फ्लाइज ओवर द सी। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू, बिकॉज फ्लाइंग मैन फ्लाइज ओवर द सीज एंड माउंटेन। द चाइल्ड वॉन्ट्स टू गो विद द फ्लाइंग मैन, येस। तो ये स्टेटमेंट है ट्रू। द फ्लाइंग मैन नेवर फ्लाइज, फ्लाइंग मैन नेवर फ्लाइज, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स। देन नेक्स्ट, द फ्लाइंग मैन फ्लाइज ओवर द बिल्डिंग, तो ये स्टेटमेंट भी है फॉल्स, बिकॉज फ्लाइंग मैन फ्लाइज ओवर द माउंटेन्स एंड सी। देन नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फ्लाइंग मैन फ्लाइज लो, आउट, अंडर और हाई। फ्लाइंग मैन फ्लाइज हाई। द फ्लाइंग मैन इज डैश इन द स्काई, सो फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई। थर्ड क्वेश्चन, द फ्लाइंग मैन फ्लाइज ओवर, ऑप्शन है बिल्डिंग, सी, माउंटेन्स एंड सी, एंड फोर्थ वन ट्री। सो जो हमारी पोएम है उससे ये आंसर होगा सी, माउंटेन एंड सी। यूनिट 10 में अगला चैप्टर है द टेलर एंड हिज फ्रेंड्स। तो टेलर और उसका फ्रेंड जो है अप्पू द एलिफेंट, उसके बारे में ये स्टोरी है। तो उस पर बेस्ट ये क्वेश्चन आंसर्स है। स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। कालू शॉप वॉज नियर द स्कूल, सो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि कालू शॉप नियर द रिवर थी। देन कालू वॉज अ टेलर, येस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अप्पू केम टू कालू शॉप एवरी डे, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। कालू डिड नॉट प्ले एनी ट्रिक ऑन अप्पू, तो ये स्टेटमेंट है फॉल्स, क्योंकि कालू ने ट्रिक प्ले की थी। अप्पू शुक हिज ट्रंक एंड सेड एन एलिफेंट नेवर फॉरगेट्स, ये स्टेटमेंट है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिक द करेक्ट ऑप्शन। हु वॉज कालू, सो कालू वॉज अ टेलर। कालू मेड क्लोथ्स फॉर, सो कालू मेड क्लोथ फॉर चिल्ड्रन। एन एलिफेंट नेवर forgets. Next question, Kalu pricked Appu's dash, trunk, head, tail or ears. Correct option is option number A, trunk. चलिए तो इन question answers के बाद हम देखेंगे अब ये lessons पे based grammar part. So first question है, match the word in a column A with their opposite in column B. सो कॉलम ए और कॉलम बी अपोजिट वर्ड से ये मैच करने हैं। सो अप का अपोजिट वर्ड होगा डाउन। हाई का अपोजिट वर्ड होगा लो। मैन का अपोजिट वर्ड वुमन। कैन का अपोजिट वर्ड होगा कांट। कैनॉट का शॉर्ट फॉर्म है कांट। वेट यानी गीला का अपोजिट वर्ड होगा ड्राई यानी सूखा। फ्रेंड का अपोजिट वर्ड एनिमी। तो इस तरीके से ये अपोजिट वर्ड बच्चों को फिल करने हैं। देन नेक्स्ट, कलर द पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स इन द सेम कलर। सो यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स दिए हैं जो बच्चों को फाइंड आउट करने हैं और सेम कलर में कलर करना है। जैसे ब्राउन, तो ब्राउन का राइमिंग वर्ड होगा क्राउन। राइमिंग वर्ड फाइंड करना काफ़ी आसान होता है, हमें बस देखने होते हैं लास्ट टू और थ्री लेटर्स और वही सेम लेटर्स वाले वर्ड्स चूज करने होते हैं। जैसे ब्राउन का राइमिंग वर्ड होगा क्राउन।
इसी तरीके से नेक्स्ट है फ्लाई, तो फ्लाई का राइमिंग वर्ड होगा स्काई. विश फिश, फैन पैन, टेल सेल. तो इस तरीके से ये जो राइमिंग वर्ड्स है, इन राइमिंग वर्ड्स को सेम कलर में कलर करना है. चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आई एम. यहाँ पे बच्चों को हेल्प बॉक्स भी प्रोवाइड किया गया है, सो इस हेल्प बॉक्स की मदद से बच्चों को ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. अ पर्सन हु मेक्स क्लोथ, तो जो कपड़े सीता है उसे हम कहते हैं अ टेलर. देन नेक्स्ट अ पर्सन हु वर्क्स इन अ स्कूल, तो जो स्कूल में काम करते हैं उन्हें हम कहते हैं टीचर्स. देन नेक्स्ट अ पर्सन हु फ्लाइज एन एरोप्लेन, तो उन्हें हम कहते हैं अ पायलट. अ पर्सन हु मेक्स सिक पीपल वेल, सो अ डॉक्टर. रीराइट दिस सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर इन द बिगिनिंग एंड फुल स्टॉप एट द एंड. तो ये जो अगला क्वेश्चन है ये पंचुएशन पे बेस्ट है. आई एट टू कप केक्स, सो यहाँ पे रॉन्ग क्या है, आई. आई हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं, तो आई एट टू कप केक्स. ये सेंटेंस लिखने के बाद लास्ट में हमें नहीं भूलना है फुल स्टॉप देने के लिए. देन नेक्स्ट आई हैव अ पेंसिल. अगेन यहाँ पे आई जो है वो स्मॉल लेटर में है जो कि नहीं होना चाहिए और फुल स्टॉप भी नहीं है. इसे करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आई को करेंगे कैपिटल. आई हैव अ पेंसिल और सेंटेंस कंप्लीट हो गया है तो आएगा फुल स्टॉप. इसी तरीके से टीना लव्स टू सिंग, यहाँ पे भी टीना का टी स्मॉल है जो नहीं होना चाहिए और फुल स्टॉप मिसिंग है. देन नेक्स्ट अजय लाइक्स कैंडी, तो अगेन अजय का ए स्मॉल है जो कि नहीं होता क्योंकि ये प्रॉपर नाउंस है. जो नेम ऑफ द पर्सन होते हैं उनका फर्स्ट लेटर हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और फुल स्टॉप. सो इस तरीके से इन इन सेंटेंस को करेक्ट करके रीराइट करना है. इन दो चैप्टर पे बेस्ट ये वर्कशीट थी. आप अगर कोई पर्टिकुलर चैप्टर पहले चाहती है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उससे रिलेटेड वर्कशीट मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी. ऐसे ही टॉपिक बाय टॉपिक वर्कशीट्स जो आपको आपके बच्चे की प्रैक्टिस लेने में ज़रूर हेल्प करेगी, ऐसे वर्कशीट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में.